सीन्स को बहुत गहराई में समझते हो अब मुझे लगता है कि एक्टिंग एक ऐसा काम है जो जितना आपको समझ में आता है उतना मुश्किल होता जाता है आप कोई भी ऑफिस जॉब करते हैं तो वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए तो कभी कभी आपने देखा होगा मैंने अपना मैं एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की हुई है मैंने तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कैलकुलेशन के लिए आप देख भी नहीं होते कैलकुलेटर तो आप से कर रहे होते हैं तो एनसीए में क्या पढ़ा था एन सी में मल्टीमीडिया तो उसके बाद किया था मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ और उसके वो <laughs> उसके बाद मैंने वो अपना बिजनेस स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने नौकरी की इंटर्नशिप की एक जगह पे और घर वाले समझते रहे कि मैं कोई मैनेजरियल या फाइनेंशियल नौकरी कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे मैं रिसर्च वर्क कर रहा था घर पे नहीं बताता था लेकिन वहाँ रिसर्च वर्क कर रहा था और क्या रिसर्च कर थे कि बेटर एक्टर कैसे होना चाहिए <laughs> नहीं वो फॉर्मेट शोज होते थे उसमें एक टीवी चैनल में जॉब की थी अच्छा सो so, आपको याद होगा कि आप एक शो में आई थी नई राहें उसका नाम है मॉर्निंग शो होता था नादिया जमील करती थी हाँ। <laughs> आप वहाँ क्या कर रहे थे मैं उस प्रोग्राम की रिसर्च टीम में था अरे तो <laughs> so, मैंने मैं मेरी घर बात होगी बहुत अच्छा शो था हाँ तो उसको बंद नहीं होना चाहिए था हाँ, उसको बंद नहीं होना चाहिए था 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 क्योंकि ये, ये वही वाली सारी आपने जिस इस बात का जवाब उसमें जो पहले सब पहले सबसे से आगाज हुआ था, टी -पीस. Hmm. आप अंदर से कितने मुतमिन कितना स्ट्रांग फील कर रहे हैं जो कुछ hmm. भी आप कर रहे हैं बोल रहे हैं वो ज्यादा तो कहाँ से पा गया <laughs> कहाँ आया कहा से आया और एक्टिंग क्यों नहीं पढ़ने गए ये भी एक क्वेश्चन उभरता है ना मैं एक्टिंग पढ़ना चाहता हूँ ऑनेस्टली है ना मैं एक्टिंग पढ़ना चाहता हूँ आपको पता है मैं आ... इस इस पॉइंट पर एक्टिंग पढ़ना चाहती हूँ <laughs> मैं समझना आ, चाहती हूँ कि ये आ, मैं आ, क्या आ, करती रही हूँ तो ब, ब, मैं ब, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सोसाइटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करता था बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था अपने कॉलेज लाइफ में स्कूल लाइफ में

बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करने वाला अभी और सीन्स में भी ऐसा ही होता है अभी मैं प्रिपेयर कर रहा था एक सीन एक एक्टर के साथ तो बोला कि तुम बताओ मुझे क्या करोगे मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा मैं बता ही नहीं सकता मैं क्या करूँगा मैं कुछ भी कर जाऊँगा बस कुछ भी करूँगा तो उसको रिएक्ट कर देना प्लीज तो मैं नहीं कुछ भी प्लान करके नहीं कर सकता मैं तभी तो कुछ और होने है पता नहीं है कुछ है? है कुछ uh, नहीं आई डोंट थिंक जितना होना था वो सब कुछ हो गया अब आंधी चल चुकी है अब <laughs> अब चीजें सेटल डाउन हो रही हैं पहली मोहब्बत कब हुई थी uh, तो बहुत सारी हुई हैं <laughs> 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 मोहब्बत uh, बहुत पहले हुई थी पहली मोहब्बत और फिर उसके बाद मोहब्बत हुई और फिर उसी मोहब्बत से शादी हो गई आई थिंक मोहब्बत भी क्या नाम है तुम्हारी बेगम का सना और कहाँ मिली थी सना सना मुझे सना उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे मिली थी समा में ओ। so, उसी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे वो और कितना अरसा लगा था ये बताने में मुझे अच्छी लग रही है फॉरन वो डरपोक शख्स कहाँ गया वो शायर शख्स कहाँ गया आपको बताया कि वो जो डरपोक शख्स है वो वालिद की okay. के बाद hmm. उससे उससे पहले मैं बहुत नाटर था मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लूं चाहे जितना भी बुरा कर लूं जितना भी अच्छा कर लूं, कोई मसला नहीं है हो जाएगा संभाल लेगा कोई ना कोई मैं खुद संभाल लूंगा लेकिन वो जब सब इतनी सारी बातें बोलकर मैं खुद से वो सब कुछ संभाल नहीं सका उसके बाद बहुत डर गया मैं बता रहा हूं कि वो एक इंसान ही बदल गया सब कुछ प्रपोज किसने किया था सना ने यार अच्छा मतलब प्रपोज वाला सीन इतना इतना नहीं रहा हमारा क्योंकि क्योंकि मैं एक अकलौता बच्चा था वाले का तो वो चाहते थे कि मैं बस शादी कर लूँ बहुत जल्दी से तो वो बस उसी में बहुत ही जल्दी ये रिलेशनशिप पे वो शादी चला गया तो घर वालों की बात करवा दी गई और फिर तो खत नहीं लिखे फूल्लु से भरे और... uh, नहीं कार्ड्स बहुत लिखे हाँ. सलाने मेरे लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है <laughs> uh, चक्कर नहीं लगाए उसके घर के उसके उस एरिया के वो सारी चीजें जो करनी होती हैं आई थिंक की हैं है कि मुझे कोर्टशिप का हाँ, एक अपना हाँ, हाँ, एक मिजाज है बिल्कुल बिल्कुल किया और एक लुट पे वो सारे लुट उठाए हैं बल्कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब घर वालों को लगा कि ये हमने हमने ठीक फैसला नहीं किया इन दोनों बच्चों को एक साथ नहीं रहना चाहिए तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई तो फिर बहुत ही फिल्मी अंदाज में बस वो कुछ ऐसे मामला हुए बहुत जल्दी बहुत जल्दी कर बहुत जल्दी ना? सब कुछ हो गया तो बहुत जल्दी सब कुछ ख़राब भी होने लगा तो वो फिर लड़ झगड़ के हमने शादी की एक दूसरे से तो क्या भा, भाग के की थी या नहीं 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 भाग के नहीं की थी कन्विंस किया था सबको अच्छा। कि हाँ भाई हमने करनी है तो क्या किया था रोए थे या? बहुत रोया था भाई मैं तो बहुत रोया था <laughs> सना के सामने अपने अम्मा बाबा के सामने बहुत ज्यादा मैं सना इतना नहीं रोई जितना मैं रोया हूं आवाज हो रही है आवाज हो रही है, <laughs> है? तुम तो उसे रुला रहे हो मैं रुला रहा हूं क्यों अब बहुत अंक करती है मैंने समझाया तो वो सवाल है तो, तो नहीं कर रहे सब कुछ तो नहीं मैं मिलके नहीं करता बल्कि आपको बताऊं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि माँ के दर्जात क्यों बुलंद हैं क्योंकि मैं रात को सो जाता हूँ मैं बच्चे नहीं संभाल सकता और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि उसको लगे कि मैं जाग रहा हूँ तो एक्टिव एक्टर होने का फायदा उठाता हूँ बहुत गहरी नींद की एक्टिंग करता हूँ मगर <laughs> <laughs> क्यों करते हो ऐसा आपको पता है इतना मजा आता है ना इमेजिन अगर यू आप टेक ओवर कर लो और वो सो जाए और आप देखो से। मैं टेक कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ डरते क्यों बीस के लिए। क्यों मजा बस... आएगा <laughs> हाँ, 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 तो हाँ। बेबी के डायपर बदलते हैं उठते हो और अपनी गोद में लेके हो से लगाना बहुत अच्छा लगता है अब्बा और बेबी का होगा ना अम्मा नहीं होंगी वो सो रही होंगी सो रही होंगी लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है

जिसके लिए मुझे थोड़ा पीछे हुँ। हुँ। डिफिकल्ट होता है माँ चाहती है कि वो हॉक करे और टेक ओवर कर ले और बस वही वो, वो हो लेकिन मैंने किया ये मैंने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया ताकि वो द, 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 बाप और बेटियों में वो रहे और उसका बहुत फायदा हुआ क्योंकि वो दोनों दीवानी है अपने बाप की और उनका इतना जबरदस्त बॉन्ड है अमेजिंग बॉन्ड है मुझे लगता है कि बच्चियों का बाप के साथ बॉन्ड होता ही है हाँ

ड्रामे के जो ओएसटीज़ हैं वो बाकायदा गाती है अभी वो बोल नहीं सकती दो साल की है सिर्फ लेकिन वो उसका अलाप प्रॉपर लगा रही होती है तो उस... मुझे लगता है वो ये वाली हाँ। उसकी कनेक्टिविटी उसके दादा से है वो सुनकार है ना उसके कान है कान <laughs> है गुड ईयर <laughs> लगता है कि शी माइट बिकम अ सिंगर मुझे 75 लगता रोकोगे नहीं मैं नहीं रोकूंगा उसे वो सब करके दोगे जो एक अच्छे गायक के लिए जरूरी है उस्ताद और माहौल और इंस्ट्रूमेंट्स सब है ना चाहे कहीं भी जाना पड़े चाहे कहीं भी जाना पड़े क्यों इतना जरूरी होता है मां बाप का ऑनेस्टली बताऊं मैंने अप्रूवल नहीं लिया था मैंने मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैंने अपना पहला पूरा ड्रामा शूट कर लिया था घर वालों को पता नहीं था मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ लाहौर में शूटिंग थी और चूँकि मैं प्रोडक्शन में था और कुछ लोगों को जानता था तो ऐसे ही एक एक ऑडिशन मैंने दिया एक्टिंग का वो प्रूव हो गया घर वालों को ये लगता रहा कि मैं अपनी जो नौकरी करता हूँ वो कहते थे कि ये कौन सा ऐसा काम है प्रोडक्शन का काम भी आपको पता है ऐसा कि वो जाने का टाइम होता है वापस आने का कोई टाइम नहीं होता और फॉर्मेट शोज़ का तो इतना टफ़ होता था न्यूज़ के होते थे इंफोटेनमेंट के होते थे एंटरटेनमेंट के होते थे तो उसमें इतना ज़्यादा वक्त लग जाता था तो वो एक पैटर्न बना हुआ था कि मैंने सुबह आठ बजे चले जाना है मॉर्निंग शो सुबह दो बजे से पहले घर नहीं आना रात को बारह एक तो एक नॉर्मल रूटीन होती थी तो क्या हुआ कि मैंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग की मैं जाता रहा मैं सुबह जाता था नौ बजे और ये लाहौर में मिली लाहौर में मैं सुबह जाता था नौ बजे पहले अपना ऑफिस का काम करता था बीच में सेटिंग हो गई थी अपने बॉसिस से फिर एक्टिंग करने चला जाता था पच्चीस दिन उन्होंने लगातार मेरा काम किया मेरा काम ख़त्म हो गया अच्छा अब मैंने घर नहीं बताया कुछ पंद्रह दिन गुजर गए पंद्रह दिन के बाद ना वो आपको आते हैं पोस्टर्स आते हैं ड्रामे के तब इतना एक्टिव नहीं था फेसबुक ये 2016 की बात है इतना एक्टिव नहीं था जितना अब है तो वो आपको पोस्टर्स आए वो ओएसटी आया गाने का तो मैंने कहा यार ये तो मैं अच्छा लग रहा हूँ सही लग रहा हूँ तो ये टीवी वी भी चलेगा अच्छा घर तो बताया नहीं है तो नहीं बताता फिर एक दिन सोचा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बता देगा तो क्या करूं बताऊं ना बताऊं और अगर बताऊंगा तो इनको तो पता है कि मैं आ, अच्छा तब भी मेरे घर वाले ये सोच रहे थे कि ये शौक है बिज़नेस ग्रेजुएट है इंटर्नशिप कर रहा है सुबह जाता है रात को आता है ये कहाँ कर पाएगा इतना पैम्पड़ रहा है मतलब तो इससे नहीं होगा ये थक जाएगा तो ये आखिरकार इसने करना सीधे है या ये कुछ फौज वॉज ज्वाइन कर लेगा ये कुछ कर तो इनको करने दो तो नहीं, नहीं इनको तो इनको जो मैंने मैंने ये रखा हुआ है इस गलत फ़हमी में और ख़ुश फहमी में कि ये सब कुछ हो जाएगा ये तो बिल्कुल इनको यकीन हो जाएगा कि ये हाथ से निकल चुका है मुकम्मल तौर पे तो मैं बताऊं या ना बताऊं बहर हाल मैंने अपनी वालदा से शेयर की ये बात वो खामोश हो गई इनका अच्छा चलो ये कर लिया तो कोई बात नहीं अच्छा किया मैंने कहा जी, जी सही था ठीक है उन्होंने मुझसे कहा कि वालिद से डिस्कस करें ये ना करें एक शाम को ऐसे ही उसके ऑनर से कुछ देर पहले मैंने अपने दिन पहले मैंने अपने वालिद से बोला बाबा से बोला मैंने कहा बाबा वो एक चीज़ आपसे शेयर करनी है बोलो आ, मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग की है कहते हैं वो तो तुम करते रहते हो यार <laughs> तो मैंने कहा नहीं मैंने टेलीविजन पे एक्टिंग की है कहते हैं अच्छा तो कहाँ चलेगा वो मैंने कहा वो टीवी के लिए की है और टीवी पे ही चलेगा कहते तुमने तो एक्टिंग की है मैंने कहा जी मैंने एक्टिंग की है घोड़े यार वेरी नाइस nice. मैंने कहा uh, मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई और बताएगा तो वेरी गुड उनके दोस्त आए हुए थे उनको, उनको बात सुने यार ये देखे इसने बताया नहीं हमें हमारा बच्चा तो हीरो निकला <laughs> इसने एक्टिंग तो ऐसे डर रहे थे ऐसी डरा था तो वही ना कब कब आएगा टेलीविजन पर तो मैंने कहा कि टी पे आएगा वो कुछ अरसे में ऑन हो जाएगा अच्छा मैं उस टाइम भी ये फिगर आउट कर रहा था कि क्या ये सीरियस है या ये हाँ क्योंकि जो उनके दोस्त बैठे हुए थे वो उनके उनके रिएक्शंस कुछ ठीक नहीं थे वो हालात को ख़राब करने वाले थे तो मैं अपने अब्बा को देख रहा था कि लेकिन बात में मुझे लगा कि नहीं फीलिंग प्राउड प्राउड को अच्छा लग रही है बात वो उनको उनको, उनको उनको बुरा नहीं लगा ये तो उन्होंने देखा और उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत सारे बहुत सारी गलतियाँ में निकाली और उन्होंने मुझे बोला कि जो भी करना बहुत अच्छा करना और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें तो नहीं करना चाहिए तो मत करना इंतज़ार करना और फ़िक्र किसी चीज़ की ना करना वेरी सपोर्ट वेरी वेरी सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि वो जिनका ख़्वाब हो कि मैं डिफरेंट मैं मैं नौकरी करूँ वो

तो फिर कुछ और ही पर लग गए होंगे ना उसके बाद से तो उसके बाद मैंने जो पहला प्रोजेक्ट ना किया था वो एक बिल्कुल उस मोटिवेशन के साथ किया था कि शायद मैं इसको आगे करूं या ना करूं लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब आ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मुझे बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और आ, मैं लड़ाऊ नहीं कर सकता अपने माँ बाप अब... आज कहाँ खड़े हो खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ अभी खड़ा नहीं mm. मुझे लगता है कि इंसान हर एक दिन स्ट्रगल कर रहा होता है एंड आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मुझे उस तरह से उन सब हालात का सामना नहीं करना पड़ा बट स्टिल आप, आपको आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है बहुत सारे बहुत सारी बातों से खुद से सबसे इंपॉर्टेंट mm. खुद से लड़ना पड़ता है हर रोज़ एक बेहतर इंसान बनने के लिए बेहतर बेहतर सोच रखने के लिए नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए उसे बाउंस बैक करने के लिए कभी सोचा कि जो इतना एक तबीयत में जो सेंसिटिविटी है गुदाज है इसके भी पीछे कोई राज है ताकि एक अच्छे एक्टर बन सको क्योंकि जो लोग सेंसिटिव नहीं होते वो अच्छी तरह से इमोट भी नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेंसिटिव हो ताकि वो वो सारे महसूस जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उस उस कैरेक्टर के उन्हें इमोट कर सके कभी लगता है कि चुने गए हो और बहुत जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा काम करना है आगे चल के ऑनेस्टली बताऊ और अभी लगता है कि शायद यही करना था शायद बनाइए इसलिए नहीं। पहले नहीं लगता था लेकिन अब लगता है ऐसा कि लेकिन आपको बात बताऊं कि एक्टिंग बहुत एक पेनफुल चीज है क्योंकि आप डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन एंकर कर रहे होते हैं वो अपनी जिंदगी से कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपको अब हमारा हम जो हम जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जिंदगी की उस पेनफुल जगह पे ले जाते हैं जहां आप नहीं जाना चाहते बार बार और वो शायद टेलीविजन पे देख के तो आ, नहीं इतना फील होता है लेकिन एक एक्टर एक बहुत ज़्यादा जंग कर रहा होता है बहुत ज़्यादा जंग कर रहा होता है आ, सीन्स करते हुए वो पढ़ तो वो कंटेंट रहा होता है जो सामने लिखा होता है उसके लेकिन वो बोलते हुए वो परफॉर्म करते हुए वो परफॉर्म करते हुए वो साइकोलॉजिकली इमोशनली अपनी ज़िंदगी के किस पार्ट में है वो सिर्फ उसी को पता है उससे फाइट वही कर रहा है लोगों को तो लग रहा है कि वो अच्छा हो कर रहा है या बुरा कर रहा है वो सब स्क्रीन पे आ रहा है लेकिन mm. इं, इंटरनली वो कहाँ पे है इट्स वेरी टफ इंड इट्स इट्स वेरी पेनफुल